अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब लोग कैसे हैं, क्या हाल है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हॉट एंड सॉर सूप। इससे पहले मैंने आपको क्रीम ऑफ ब्रोकली दिखाया था, अब मैं आज आपको दिखा रही हूँ हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए। मैंने पहले चिकन स्टॉक बना लिया है, जिसमें आप अगर वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं तो वेजिटेरियन स्टॉक बना लीजिए, जो मैंने पहले से बना के रखा है चिकन स्टॉक बना लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस है, भाई ये लाइट वाला सोया सॉस है, और थोड़ा डार्क सोया सॉस भी डालेंगे। इसमें मैंने ये वेनेगर है, मैं एप्पल साइडर नगर वेनेगर ले रही हूँ, और इसमें मैंने रेड चिल्ली सॉस लेना है, और ग्रीन चिल्ली सॉस है, और वही डार्क सोया सॉस है, सॉल्ट है जो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, अजीनोमोटो है वो भी बहुत ही पिंच बराबर डालना है, ब्लैक पेपर है, और कॉर्नफ्लावर को मैंने उसको घोल लिया है, उसको मिक्स करके रखा है, और ये थोड़ी सी शुगर भी वैसे ही डाल। बनाने के लिए मैंने ये लिया है कैबेज, कैबेज को बहुत फाइन काटा है एकदम, बहुत बारीक बारीक सा, और जिसके लिए जिंजर गार्लिक मैंने लिया है, थोड़ी सी चॉप प्याज ली है, और ये मैंने ग्रीन स्पेरिंग अनियन ली है एकदम बारीक चॉप, और ये मैंने बेल पेपर ग्रीन एंड रेड बेल पेपर, जिसको कैप्सिकम रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम कहेंगे, और कैरेट ली है, और फिर इसके लिए मैंने थोड़ी सी नूडल्स को बॉईल कर लिया है, अभी नूडल्स को फ्राई करके उसमें थोड़ा सा गार्निश किया, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस थोड़ा सा डालेंगे ज़्यादा नहीं। अब इसी में हम जिंजर गार्लिक एंड थोड़ी सी ऑनियन पहले डालेंगे, मैंने चॉप्ड अनियन रख ली थी, उसके बाद अब इसमें हम चॉप्ड अनियन डालेंगे, और इसी में हम ज़रा सी चॉप्ड जो है जिंजर गार्लिक डाल देंगे, थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसमें और सारी वेजिटेबल सॉस डालेंगे, ताकि इसको मिक्स कर दें इस सबको। हम इसमें कैरेट डाल देंगे, गाजर, और ये कैप्सिकम डाल दी, यहाँ हम जो स्प्रिंग ऑनियन है लास्ट में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा सॉटे करेंगे फिर इसको, चिल्ली काट के रखी थोड़ी सी, अगर जिसको स्पाइसी चाहिए है हॉट तो थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली डाल देंगे, और जिसको नहीं कम मिर्ची चाहिए तो ना डालें, थोड़ी सी फ्लेवर के लिए अगर ज़रा सी डाल सकते हैं तो डाल दें। अब इसको हम थोड़ा सा भून देंगे इसी में, देखिए अब इसको हम जल्दी जल्दी बनाएंगे तेज़ आंच पे खूब अच्छी वाली, ताकि जल्दी जल्दी आप इसको बना सकें। अब इसको खूब सॉटे करने के बाद इसी में हम डालते जाएंगे ग्रीन चिल्ली सॉस डाल देंगे थोड़ा सा, एक टेबल स्पून, और एक टेबल स्पून के करीब रेड चिल्ली सॉस डाल देंगे, फिर इसी को हम थोड़ा सा चलाएंगे। इसी में हम थोड़ा सा डार्क वाला सोया सॉस डालेंगे, थोड़ा सा, ताकि ये देखिए एक पिंच इसमें अजीनोमोटो डाल दिया मैंने, और इसी में हम ज़रा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्चा, और इसी में हम थोड़ा सा, अब हम इसमें जो मैंने कैबेज काटी थी पत्ता गोभी वो इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे हम, मिक्स करने के बाद इसी में हम थोड़ा सा डाल देंगे ग्रीन अनियन स्प्रिंग अनियन, इसको मिक्स करके अब इसी में हम स्टॉक डाल देना, तो हम इसमें स्टॉक डाल देंगे, आपने स्टॉक बनाया था मैंने वो डाल दिया है। अब मुझे ज़्यादा अगर क्वांटिटी बनानी है तो
तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसको थोड़ी देर बॉईल करेंगे, उसके बाद इसमें हम ऑरेंज सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ज़्यादा भी ना डालें कम भी नहीं। अभी हम इसमें वेनेगर डाल देंगे, हम एप्पल साइडर वेनेगर डाल रहे हैं क्योंकि वाइट वेनेगर अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम ये अलग डाल रहे हैं। अगर जो लोग डालते हैं तो थोड़ा सा सोया सॉस और डाल देंगे हम, डार्क सोया सॉस अभी इसमें पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे इसका कलर एकदम का हॉट एंड सॉर वाला कलर आएगा। ये हम ज़रा सी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। ये देखिए हमारा सूप जब तक बॉईल हो रहा है, जब तक हम ये नूडल्स में हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिक्स करके थोड़ी सी कोटिंग कर देंगे ताकि फ्राई करके जब इसमें डालें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप भी करके देखिएगा, ये देखिए ऐसे इसको मिक्स कर लीजिए, ऐसे करके खूब अच्छा अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, तब इसको फ्राई कर। ये देखिए अब ये मेरा सूप बॉईल हो गया है पूरा। अब इसी में हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे जो हमने पहले से घोल के रखा हुआ है। ये देखिए हम इसे कॉर्नफ्लावर को अब ऐसे करके डाल देंगे। अब आपके हिसाब से जितना थिक होता है उतना ही डालें, ये पूरा डल जाएगा इसके अंदर। ये देखिए हो गया, नूडल्स हमने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। ये सब बढ़िया सा जब गोल्डन हो जाए बस तब निकालें इनको। ये देखिए नूडल्स फ्राई हो गए। अब नूडल्स को हम इधर रखेंगे साइड में और सूप में डाल के हमें गार्निश के लिए ये स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे थोड़ी सी, और इसमें हम ये नूडल्स डालेंगे और ये सर्व करें। सूप आपका रेडी है, हॉट एंड सॉर, खूब खट्टा है, खूब स्पाइसी है लीजिए। और अगर स्पाइसी आपको कम रखना है तो ग्रीन चिल्ली कम डालें, हॉट सॉस कम डालें, हॉट चिल्ली सॉस, और आपका ये सूप तैयार है हॉट एंड सॉर।